الزعيم العظيم على دين ما تفكر. बहुत दिनों के बाद आ रहा है तो गाइस आज हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं, बस जो भी करेंगे बॉम्ब होगा। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले चिड़ियाघर जो हमारे लखनऊ का जू है। तो गाइस मैं आप लोग बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बट मुझे जब स्कूल टाइम में मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऑफर आया था जाने के लिए, बट मेरे पास पहले बजट नहीं था तब, और बजट मेरे मेरे पास जिस टाइम भी नहीं है, बट हम तो लोग किसी तरीके से भी जा रहे हैं ऐसे वैसे चारों तरफ से पैसे मांग के। बट मैं आप लोग बता दूँ, अकेला मैं नहीं जाता, कभी जाता हूँ लखनऊ में तो गाइस मैं आप लोग बता दूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे दोस्त हैं और मेरा भाई भी है जो कैमरा पकड़ रहा है। और गाइस मैं आप लोग बता दूँ, इसका नाम है विकास और इसका नाम है अनूप। तो गाइस मैं आप लोग बता दूँ आज का वीडियो एक्साइटेड Yes. तो गाइस मैं आप लोग बता दूं आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला। सो गाइस चलते हैं हम लोग, बैठते हैं टैक्सी में और चलते हैं सीधा चिड़ियाघर। और गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग, तो बैठते हैं और चलते हैं। फाइनली तो हम लोग चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं और इसका गेट आप लोग देख सकते हैं। ऑगस्ट में आप लोग बता दूं, यहां पर हमें आने में लगभग 1.5 घंटा लगा और हमें पर आदमी 50 रुपीज़ लगा। तो गाइस मैं आप लोग बता दूं, हम तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम मैं आया हूं ना तो दूर, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सामान है खाने पीने के लिए। और गाइस आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर हम तो लोग ऑफिस में इसकी पर्ची कटाते हैं, एंट्री पर्ची, तो हम तो लोग इसके अंदर जाते हैं। तो चलो चलते हैं। ओके सो गाइस फाइनली तो हम सब लोग एंटर कर चुके हैं। गाइस हम सब लोग एंट्री पर्ची भी कटा चुके हैं और 80 रुपी में 40 पर्ची मिली है डूड। और गाइस मैं आप लोग बता दूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, घूमने के लिए यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लखनऊ के भी हैं, बाहर के भी हैं, देश विदेश से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो गाइस मैं आप लोग बता दूँ, अब हम सब लोग चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। सो वही चलो ओके सो गाइस फाइनली तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बार और कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे घूमने आते हैं, वो भी स्कूल की है। आप लोग इस तरफ देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, इसके अंदर चलते हैं डूड। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा फाइनली लखनऊ जू। गाइस आप लोग देख सकते हैं रहे बच्चे और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और गाइस आप लोग इस तरफ देख सकते हैं फाउंटेन, फवारा और जेबरा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हो रहा टाइगर, तो हम सब लोग इस पर बैठते हैं डूड, मज़ा लेते हैं। ओके सो गाइस आप लोग ने देखा कि गाइस हम सब लोगों ने कितना मजा लिया। और गाइस मैं आप लोग बता दूं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस यहां पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए हैं और एंजॉय करने के लिए हैं। तो गाइस बने रहे हो वीडियो और वीडियो को फुल वॉचिंग करना डूड, अगर फुल वॉचिंग नहीं करते तो क्या करे हो डूड। मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता तो आप लोगों को भी एक बता कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉचिंग करिए। सो ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरफ भी कितने ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर हर जगह पर लोग आप लोगों को दिखाई देंगे। और गाइस ये रहा एरोप्लेन, गाइस आप लोग देख सकते हैं और इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है, तो यहीं से आप लोगों को दिखा दूं जूम करके। ओफो डूड आप लोग देख सकते हैं अमेजिंग, ये छोटा सा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जू के अंदर रेलवे लाइन, अमेजिंग डूड आप लोग देख सकते हैं लिटिल बच्चों वाली बिल्कुल रेलगाड़ी। तो गाइस इसको देख के ऐसा लगता है, सबसे पहले हम सब लोग इसके अंदर चलते हैं डूड। तो गाइस इसके इसको देख के ऐसा लगता है जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें शाहरुख खान की जो फीलिंग थी वही मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ऐसे शाहरुख खान कर रहा था तुझे देखा तो ए जाना सनम डूड। और इसके अंदर भी चलते हैं डूड। राहुल आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इसमें सीट वोट भी बैठने के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं
बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और बहुत सारी लिटिल है, आई मीन बच्चों वाली है, ये हमारी सब लोगों के लिए नहीं। और आप लोग देख सकते हैं इस पर आई मीन जानवर भी बने हुए हैं, लॉयन टाइगर क्रोकोडाइल। तो आओ गाइस अब हम सब लोग और भी आगे चलते हैं देखने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें क्या नहीं। सो भाई तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पिंजरे बने हुए हैं, जाली वाली लगी हुई है, दुकान गाड़ी खड़ी करके आ रहे थे जंगल। हाँ तो देखे रहो, ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ गार्डन है, देखे रहो रास्ते हमें सब लोगों के लिए जाने के लिए। अरे ऐसे टाइगर दिखाता हूँ दूर। ओके सुरेश आप लोग उस तरफ देख सकते हैं, हमारे प्यारे बाग का बैनर लगा हुआ है और लिखा हुआ है कुछ आओ सब मिलकर फिर एक बदलाव लाएं, हर एक बात के प्राण बचाएं। वाह आप लोग देख सकते कोई बैठ गया, आई मीन एक सो रहा है, थक गया वाला भी बैठ गया। तो भाई आप लोग देख सकते हो रहा हमारा लॉयन इन जंगल में, गाइस इसकी गुफा आप लोग देख सकते हैं डूड, बिल्कुल पत्थरों की। इस ये रही तेंदुए की गुफा, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मस्त बनी हुई है। और सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा तेंदुआ वो बैठा है कितनी आराम से, ऐसा लगता है डूड बिल्कुल फोटो खिंचाने की स्टाइल में। हे व्हाट्सअप सो फैम ब्रो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जब मैं नई वीडियो छोड़ूँ तो अपडेट आप तक पहुँचे। शो वाई फैम ब्रो, चलो गाइस और भी आगे चलते हैं। ओके सो गाइस फाइनली आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम सब लोगों ने देखा था प्लेन और उसके बाद हम देखा टाइगर और उसके बाद लॉयन और उसके बाद तेंदुआ। और गाइस आप लोगों ने देखा कितना बॉम्ब था, और गाइस मैं आप लोग बता दूं वो बिल्कुल जंगल में है, आई मीन उसकी गुफा भी दिखाई आप लोग कितनी अच्छी थी और बिल्कुल अमेजिंग थी। और गाइस मैं आप लोग बता दूँ अभी हम सब लोग चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा है जू। और गाइस मैं आप लोग बता दूं अभी हम सब लोग बिल्कुल आधे पर नहीं पहुँचे, अभी हम सब लोग अपने दोस्तों के साथ, ये मेरा भाई रहा और मेरे दोस्त तो लोग पीछे हैं, तो अभी हम सब लोग चल रहे हैं डूड। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर जंगल ही जंगल आप लोगों को दिखाई देगा चारों तरफ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और माय फर्स्ट टाइम इन जू, तो गए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो बस फैम ब्रो चलो और भी आगे चलते हैं। और ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर जो आराम से बिल्कुल दबे पांव चल रहा है ताकि भाग ना, आई मीन अगर हम सब लोगों ने ज़्यादा शोर किया तो ये आराम से भाग जाएगा। और हो रहा मोर उस तरफ, आई मीन पिकॉक आप लोग देख सकते हैं, आई मीन जंगल में रहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं भाग गया डूड। जा अबे फिर लेट गया यार, अमेजिंग डूड आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आई मीन फर्स्ट वाला हम सब लोग वहाँ देखे थे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंड वाला, अभी ये जगह था यार फिर से सो गया आप लोग देख सकते हैं डूड। आई वो जोर लगा के ऐसा उठ जा यार, उठ जा भाई, अरे उठ जा भाई, अरे हो गई सुबह यार, उठ जा उठ जा भाई, आई वो अमेजिंग डूड आप लोग देख सकते हैं उठ गया भाई अभी बैठा है, उठ जा खड़े हो जा यार, खड़े हो जा मेरा टाइगर, खड़ा हो जा खड़े हो जा। ओके सो गाइस जगाते जगाते हम सब लोग टाइगरों को परेशान हो गए बट वो उठा नहीं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुस्ती आई हुई थी, बिल्कुल नींद लग रही थी। और गाइस मैं आप लोग बता दूं एक बात कि इन सबको खाना कम मिलता है, आई मीन जंगल वाले से, आई मीन ये पालतू है और जो जंगली होते हैं उनको, आई मीन इनको खाना कम मिलता है इसलिए डूड देखो कैसे उंघा रहा था। तो चलो और भी आगे सुस्ता रहा था, तो चलो और भी आगे चलते हैं। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ आई मीन जू में आप लोग देख सकते हैं कैट भी है डूड हो रही है एक, और आप लोग देख सकते हैं उस पटरे पे और उस पटरे पे वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सो वही चलो चलते हैं और भी आगे फैम ब्रो, क्यों भाई मज़ा आ रहा है, चलो चलते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं आई मीन पुल भी है इसके अंदर जू के अंदर आप लोग देख सकते हैं डूड। सो आप लोग इस तरफ देख सकते हैं आई मीन यहाँ पर बहुत सारे पिंजरे हैं, आप लोग देख सकते हैं उस तरफ भी कैट है, आई मीन वहाँ पर ब्लैक थी और यहाँ पर बिल्कुल आई मीन येलो टाइप की है। सो वही चलो और भी चलते हैं। तो एग्जिट गेट नंबर वन पर हम सब लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है डूड।
इस तरफ आप लोग देख सकते हैं रात तोता, ही रामन तोता, मैं आप लोगों को बोर्ड पर दिखा देता हूँ, ही रामन तोता। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं लेडी एमहर्ट पिजन, तो आप लोग देख सकते हैं उस तरफ वो बैठा बिल्कुल अंदर, और आप लोग देख सकते हैं और हमारा तोता और बिल्कुल अंदर, आई मीन शीशे का, आई मीन इसका पिंजरा बना हुआ है। चलो और भी अंदर। तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं ये कौन सी चीज़ है, मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो तो उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। ओके सो वही, चलो और भी आगे चलते हैं, और इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं काकाटील सिल्वर फीजेंट काकाटील। और गाइस आप लोग देख सकते हैं रहा कछुआ, और इसका आई मीन पिंजरा आप लोग देख सकते हैं बाहर से शीशे का है, और अंदर आप लोग देख सकते हैं पत्थर वत्थर का बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये है स्टार कछुआ नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, आई मीन यहाँ का नाम है, आई मीन लखनऊ जू का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तितली पार्क टिकट घर तितली पार्क, तो इस तरफ हम सब लोग नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग इस तरफ आगे चलते हैं। तो आप लोग इस तरफ आप लोग देख सकते हैं हो रहा सफ़ेद फाटा, तो और भी आगे चलते हैं, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये भी मुझे नहीं पता, ऊपर आई मीन आप लोग देख सकते हैं पीले पीले मकाऊ है ये, मुझे लगता है आई मीन हाँ नीले पीले मकाऊ, हाँ यस नीले पीले मकाऊ, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये मकाऊ है। चलो और भी आगे चलते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा गोल्डन फीजेंट, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं इसका लगा बोर्ड, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा सफ़ेद पिकॉक आई मीन मोर। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रही बड़ी गिलहरी, आई मीन देख लो हम तो लोगों आई मीन पीछे छुप रही है, आप लोग देख सकते ओफो आई मीन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फोटो खिंचा रही डूड। गाइस अब हमें घूमते घूमते प्यास लग चुकी है, और गाइस मैं आप लोग बता दूं ये हम सब लोगों ने बोतल बाहर से खरीदी थी, बट आप लोग देख सकते हैं इस पर पर्ची चपकाई गई थी, तो इसके लिए हमें 20 रुपये लगे थे, आई मीन 20 रुपये हमारे वापस हो जाएंगे, बट बोतल देने पर वहाँ आई मीन ये इसके लिए है, आई मीन कूड़ा आई मीन जू में ना फैले इसलिए डूड वहाँ पर आई मीन बोतल की पर्ची कटती है और रुपये लिए जाते हैं, सो वही चलो पीते हैं डूड। ओके सो गाइस अभी हम सब लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, आई मीन दरियाई घोड़ा नहीं देखा, मगरमच्छ नहीं देखा, वाइट टाइगर आई मीन सफ़ेद बाघ, तो अभी और भी आगे चलते हैं इस तरफ आप लोग मैप, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं इसका मैप रहा आई मीन लखनऊ जू का मैप है, तो इससे आई मीन आप लोग घूम सकते हैं, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं बच्चों का पार्क आई मीन चिल्ड्रेन पार्क, तो यहाँ पर सभी बच्चे हैं आई मीन झूले वूले हैं बच्चों के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आई मीन स्कूल से जो ट्रिप आता है तो बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारे आई मीन स्कूलों से ट्रिप आता है घूमने के लिए, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त आगे चल रहे हैं तो मैं पीछे और मेरा भाई भी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने रहा दरियाई घोड़ा, जो अभी मुँह ऊपर उठाएगा तो हमें सब लोगों को देखने को मिलेगा, और ऐसे आप लोग देख सकते हो पानी में बैठा हुआ, आप लोग सामने आप लोग देख सकते हो वहाँ पर पोपट हो गया यार, नहीं दिखाया वहाँ पर टाइगर उठ नहीं रहा था, यहाँ पर इसने चेहरा नहीं दिखाया अपना, यार सभी जगह पर पोपट हो रहा है, तो अभी अभी हमारा बाकी है सफ़ेद टाइगर और मगरमच्छ आई मीन क्रोकोडाइल, तो चलो चलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं रहा क्रोकोडाइल पिंजरा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं आगे हैं, तो हम सब लोग आगे चलते हैं। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल ए बड़े वाले हैं, और उस तरफ आप लोग देख सकते हैं बच्चे हैं, और जो ए ऐसे पड़े हुए हैं आई मीन आप लोग देख सकते हैं लगता है ऐसा स्टेचू, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे डूड, और सामने आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी, मैं आप लोग जूम करके दिखा देता हूँ डूड, और चलो उस तरफ से चलते हैं मैं पास से दिखाऊँगा आपको, तो हम चलेंगे पटरी पे छुक 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 रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी, अब आप लोग देख सकते हैं पास से बिल्कुल भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी स्टेचू आप लोग देख सकते हैं, और उस तरफ आप लोग देख सकते हैं मुंह खोले आई मीन आखिरी वाला आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पास से दिखा दूँ सबसे लास्ट वाला डूड आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं पास से ए चल रहा है, चल भाई
चल भाई मोमिन। ओ भाई आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मुंह आई मीन खोल दिया है डूड। अभी आप लोग देख सकते हैं कर रहा है मुंह, हमारे पोपट नहीं हुआ। आई मीन मैंने सोच रहा था आई मीन मुझे देखने को नहीं मिलेगा, और आप लोग देख सकते हो और आप पानी में एंटर कर गया है, और अभी आप लोग देख सकते हैं उस तरफ एक चल भी रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा लगता है मुंह खोल के बिल्कुल स्टेचू बन गया डूड। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं और हमारा व्हाइट टाइगर। और गाइस मैं आप लोग बता दूं यहां पर जाली लगी हुई है चारों तरफ, तो इस समय इसलिए डूड यहां पर बिल्कुल आई मीन ओपन नहीं दिखाई दे रहा, जाली लगी हुई है उसके बाद ग्रीन जाली लगी हुई है तो इसलिए बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा। बट आप लोग देख सकते हैं बैठा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हैं डूड। गाइस आप लोग देख सकते हैं रहा घड़ियाल, और गाइस इसका आप लोग मुंह देख सकते हैं बिल्कुल आई मीन लंबा लंबा है आई मीन सो वही आप लोग देख सकते हैं इसका पिंजरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आई मीन यहां पर सिर्फ 1 2 3 4 5 5 है यहां पर, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल 5 है। ओके सो गाइस अभी हमारा सब लोगों का आज बहुत ज़्यादा पोपट हो चुका है, आई मीन कुछ भी आई मीन अच्छे से देखने को नहीं मिला। बट अभी हम सब लोग आ चुके हैं बच्चों वाले पार्क आई मीन चिल्ड्रन पार्क, तो अभी आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर कितने ज़्यादा बच्चे हैं। तो वही चलो यहाँ पर भी हम सब लोग मज़ा लेते हैं और मचाते हैं डू। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग बोर्ड झूला वाला लगा हुआ है, झूला पार्क में 12 वर्ष से अधिक आयु वयस्क को झूला झूलना सख्त मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना किया जाएगा। तो डू मैं बिल्कुल भी झूला नहीं झूल रहा है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, झूला है आई मीन स्लाइडिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सिर्फ बच्चों का आई मीन राह चलता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग दो प्रकार की है, आई मीन यहाँ पर हार्ड वाली और वहाँ पर बिल्कुल सिंपल वाली। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा आई मीन है झूला, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झूले हैं जो यहाँ पर बढ़िया। और गाइस यहाँ पर तो बिल्कुल अमेजिंग वाली स्लाइडिंग है दूर, बच्चे आई मीन झूल रहे हैं। और इस तरफ रहा है फाउंटेन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनोकांडा और किमो, और इस तरफ भालू मंकीस और ब्लू ब्लू तेंदुआ आई मीन मोगली और बगीरा बगीरा मोगली और टाइगर। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोटू पतलू की पूरी टीम, मोटू पतलू चिंगम, और उस तरफ आप लोग देख सकते हैं भीम छोटा भीम, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और डॉक्टर झटका छोटा सा बच्चा, और आप लोग इसको भी देख सकते हैं, और आप लोग उस तरफ देख सकते हैं मैंने आप लोग दिखाया था कीमो नाचे। और गाइस आप लोग देख सकते हैं आई मीन इसका फाउंटेन आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खेती भी होती है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ लगे हैं मैरी गोल्ड के, आप लोग देख सकते हैं अभी जल्द ही लगाए गए हैं। और उस तरफ आप मैरी गोल्ड की नर्सरी आप लोग कह सकते हैं। और ओके सो गाइस फाइनली हम सब लोग आए यहाँ पर, 3 घंटे हो चुका और हम सब लोग यहाँ पर लगभग आई मीन 11:30 बजे आए थे, अभी हो रहा है आई मीन 2 PM। ओके सो गाइस हमारे आई मीन पैरों में हमारे सब लोगों को पेन होने लगा हो गाइस, अभी हम सब लोग और भी देखना बाकी है कुछ बारी चीज़ें, तो आई मीन अभी हमें डियर आई मीन हिरन देखना बाकी है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है, इस जू के आई मीन सेंचुरी पूरी हो चुकी है आई मीन 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके सो गाइस आप लोग इस तरफ देख सकते हैं बोट, और उस तरफ बैठे हुए हमारे हिरन, और आप लोग देख सकते हैं उस तरफ बैठे हुए 12 सिंगा आई मीन बिल्कुल पास पास है पिंजरा इसका, तो इस तरफ बैठे हुए हिरन और उस तरफ हमारे बैठे हुए हैं 12 सिंगा, तो उस तरफ हम सब लोग चलते हैं देखते हैं 12 सिंघा। ओ भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झुंड में बैठे हुए हैं सभी आई मीन 12 सिंघा आई मीन ब्लैक बक। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी आप लोग इसका देख सकते हैं। तो गाइस ये देख के मुझे आई मीन नेक्स्ट लेवल का आई मीन एक्साइटेड हो रहा है। तो गाइस और भी आगे चलते हैं, गाइस आप लोग देख रहे जंगली बादाम ए रहे आप लोग पास से देख सकते हैं, और ऊपर भी बहुत सारे हैं और चारों तरफ आई मीन पेड़ आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा रहा बियर, ओ भाई गाइस आप लोग देख सकते हैं रहा भालू आई मीन बियर, तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है डूड। मैं बिल्कुल भाई आप लोग देख सकते हैं मुँह फैला रहा है, देख दूर देख सकते हैं ये रहा हमारा बोआ आई मीन अजगर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना शांति से बैठा हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे आई मीन खाने हैं, बस यही मिला है एक है यहाँ पर और खाने का
तो और भी आगे चलते रहा हमारा, ये रहा हमारा सेकंड पोज का अजगर। गाइस आप लोग देख रहे हो बिल्कुल चढ़ा जा रहा है डूड। भाई ये रहा तीसरा, आप लोग देख सकते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा बैठा हुआ है बिल्कुल। और भी आगे चलते हैं और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे तरफ मुड़ कर हुआ था और बस हम तो लोग आए उस तरफ कर लिया। अभी आप लोग और इसमें मैं आप लोग बता दूं इसमें दो है और आप लोग देख सकते हैं ए वाला हमारी तरफ ही मुंह करे बैठा हुआ है, ए वाला देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहा रेड स्नैक, अभी आप लोग देख सकते हैं ये भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ये देखो गाइस पोज दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं हमारा सांप है। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग कंप्लीट पूरा जू घूम लिया। और गाइस मैं आप लोग बता दूं हमें लगभग घूमने में तीन घंटा लगा और हम लोग सभी चीज़ें नहीं घूम पाए। सबसे फर्स्ट बोटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग नहीं घूम पाए और नहीं कर पाए। और गाइस मैं आप लोग बता दूं हम लोगों ने देखा टाइगर, बाघ, पैंथर, बहुत सारी चीज़ें देखी जैसे क्रोकोडाइल, मंकी, सीरन, डियर, बहुत सारी चीज़ें देखी। और गाइस मैं आप लोग बता दूं अगर लखनऊ आए तो इसको लखनऊ जू जरूर घूमें। और गाइस मैं आप लोग बता दूं ये बहुत सारा प्यारा है। और तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ दूर, अब मैं जा रहा हूँ बाहर और अब तो मुझे भूख भी लग चुकी है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं बाहर कुछ खाते हैं तब चलते हैं सीधा घर। एंड हाँ गाइस मैं एक बात और बता दूं आप लोगों की ये मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा थक गया है। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि इधर ही लेट जाऊँ, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं और भूख बहुत तेज लगी है। मैं कम से कम 10 तो पूरी खाऊँगा सच बता रहा हूँ मैं। तो अभी हम सब लोग आ चुके हैं बाहर गेट पर, तो अभी हम सब लोग थंबनेल के लिए लेते हैं पिक कोई भी अच्छा सा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम सब लोग जहाँ से एंटर किए थे हम सब लोग वहीं पर आ चुके हैं। और फाइनली और गाइस मैं आप लोग बता दूं हम सब लोग कम्प्लीटली घूम चुके हैं जू को। और गाइस मैं आप लोग बता दूं कुछ सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं घूमी। और गाइस मैं आप लोग बता दूं जैसे बोटिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने नहीं देखा। और गाइस मैं आप लोग बता दूं हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखा जैसे लॉन, टाइगर, बाघ एंड तेंदुआ और क्रोकोडाइल, डियर, हिरन, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो गाइस मैं आप लोग बता दूं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं और गाइस मैं आप लोग बता दूं अब मेरा घर जाने का टाइम हो चुका। और गाइस मैं आप लोग बता दूं अभी हम लोग चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं। और गाइस मैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वही आई होप इन दिस वीडियो मेक योर चैनल सब्सक्राइब सी वगैरह लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो टिल नेक्स्ट टाइम सेक्सी बेस। ओके सो गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो डूड, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता तो आप लोगों का भी एक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो डूड। सो वही चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। सो वही फैम ब्रो।